नमस्कार दर्शक मित्रों, फार्मा टीवी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी साइज रिडक्शन की प्रोसेस के बारे में, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में, और कई सारे एग्जांपल्स भी देखे थे उसके। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइज रिडक्शन के इक्विपमेंट्स के बारे में, जो कि साइज रिडक्शन में कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, जैसे कि बॉल मिल हो गया, एज रनर मिल हो गया। वैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है भावेश, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइज रिडक्शन के इक्विपमेंट्स के बारे में। तो साइज रिडक्शन के इक्विपमेंट्स बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज, हम उसको चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है अल्ट्राफाइन ग्राइंडर, दूसरा है ग्राइंडर, तीसरा है क्रशर, एंड चौथा है कटिंग मशीन। तो ये जो चारों साइज रिडक्शन के इक्विपमेंट है उसके मेजर पार्ट हम बोल सकते हैं, और उसका यूज पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टिकल का साइज जितना है उसके ऊपर ये मिल यूज होती है। तो इसमें एड्रेशन मिल यूज होती है, किसी में एड जीरनर मिल यूज होती है। तो बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज वी कैन डिफाइन दिस इन टू फोर कैटेगरीज। तो पहले बात करते हैं अल्ट्राफाइन ग्राइंडर की, जो कि मॉडरेटली हार्ड और फ्रेबल सब्सटेंस जो होते हैं उसको क्रश करने में यूज होता है अल्ट्राफाइन ग्राइंडर। तो उसमें उसका एक एग्जांपल है फ्लड एनर्जी मिल। तो आपको ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि अल्ट्राफाइन ग्राइंडर का कोई एग्जांपल बताओ, तो आप उसमें फ्लड एनर्जी मिल लिख सकते हो। दूसरा है ग्राइंडर। तो ग्राइंडर में उसके चार टाइप्स अलग अलग पड़ते हैं। पहला है इम्पैक्ट मिल, उसका एग्जाम्पल है हैमर मिल। दूसरा है एट्रिशन मिल, तो उसका एग्जाम्पल एट्रिशन मिल है। तीसरा टम्बलिंग मिल है, तो उसका एग्जाम्पल बॉल मिल है। और चौथा है रोलिंग एंड कंप्रेशन, तो उसका एग्जाम्पल है रोलर मिल। तो ये जो ग्राइंडर है, तो ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स के जो भी ड्रग्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसमें ये ग्राइंडर का यूज होता है, मोस्टली सारे ड्रग्स में। कई ड्रग्स में मतलब उसमें हार्ड या ऐसे सब्सटेंस रहते हैं, तो ये फ्लड एनर्जी मिल का यूज हम कर सकते हैं, वरना ऑलमोस्ट सभी ड्रग में ये इन्हीं टाइप के ग्राइंडर्स यूज होते हैं। तीसरा है क्रशर, तो इसका एग्जाम्पल हो गया एज रनर मिल और एंड रनर मिल। तो ये दोनों मिल का यूज भी सारे ऑलमोस्ट ऑल टाइप के ड्रग्स में हम उसका यूज कर सकते हैं। चौथा है कटिंग मशीन, तो कटिंग मशीन का एग्जाम्पल है रोटरी कटर। तो रोटरी कटर जो है वो क्रूड एनिमल या वेजिटेबल ड्रग्स रहती है, तो उसका साइज रिडक्शन करने में उसका यूज होता है। तो दोस्तों, ये सारी मिल्स है उसका यूज अलग अलग जगह पे होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसके बारे में हम अलग अलग सेपरेट वीडियो बना के हमारे आने वाले वीडियोस में पोस्ट करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे टैप कीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि हम जो आगे आने वाले वीडियोस पोस्ट करेंगे तो वो वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।